नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं दीपक जोशी। इस समय हल्द्वानी में पीली कोठी चौराहे के पास हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे से यहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। धामी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और धामी सरकार की ये कोशिश है कि संपूर्ण उत्तराखंड से जितना भी अतिक्रमण है वो तोड़ा जाए। और पीछे प्रशासन की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं वहां पर खड़ी हुई है। हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा आगे को आइए, यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है क्योंकि इस रोड को चौड़ा करना है। इस रोड में इस समय हम ये कालाडूंगी रोड में खड़े हैं। इस रोड में सबसे ज्यादा जाम की समस्या देखने को मिलती है। अब इसी जाम की समस्या से निपटने के लिए इस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो धामी मॉडल अब यूपी मॉडल पर चल चुकी है, इस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक मशीन यहाँ है, एक जेसीबी मशीन पीछे लगी हुई है। यहाँ पर एक बहन जी है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर ठीक पीछे से जो जेसीबी चली हुई है इन पे इनका क्या कुछ कहना है। बहन जी, पीछे से ये जेसीबी मशीन चली हुई है, रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ देखते हैं, सही कर रही है सरकार या क्या है? बिल्कुल गलत कर रही है क्योंकि ये हमारी भूमिधरी जमीन है, पुरानी जमीन है, 100 साल पुरानी जमीन है और ये लोग जानबूझ के तोड़ दे रहे हैं इसको। अब सरकार के आगे किसी और की नहीं चलती। हमने हाईकोर्ट में जाके भी अप्लाई करा था पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि तो आपके पास इस जमीन के पूरे कागजात हैं? सब कागजात है, सब कुछ है, सब कुछ दिखाया, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब हम तोड़ दी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर इन्होंने भी हमें समय नहीं दिया, आज 1 घंटे पहले नोटिस दिया और 1 घंटे बाद ही तोड़ दिया। मेरे पति भी घर में नहीं है, वो होते तो थोड़ी मदद मिलती, थोड़ा वो समझाते या बात करते। 3 दिन की मोहलत तो देनी चाहिए। अब हमारे जानवर भी है, गाय भैंस भी है और उनको हम कहाँ रखेंगे बताओ। अब हमारे छोटे बच्चे हैं, अभी पति भी घर में नहीं है, सब खुला पड़ा है, ऐसे खुला छोड़ के कितने। आप देख सकते हैं पीछे से जेपीजी चली है, इनका कहना है कि यह इनकी जमीन है। आप मेरे को बताएं तो कहाँ तक आपकी जमीन इसमें है, अगर आपके अनुसार हम चले तो। हमारी जमीन यहाँ तक तो जितनी इन्हें तोड़ी है वो तो है ही। हमने 2 फुट फालतू पीडब्ल्यूडी को पहले ही दे रखी है। हमारे पापा जी ने, ससुर जी जो थे हमारे, उन्होंने पीडब्ल्यूडी को 2 फीट फालतू दे रखी है। अब ये और पीछे जबरदस्ती तोड़ रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको मुआवजा देने की बात की है, जिस तरीके से आपकी जमीन टूट रही है, यहाँ पर इसमें अतिक्रमण हट रहा है, तो आपको मुआवजा मिलेगा, इसका क्या बात हुई है? मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं हुई है, और तो और जुर्माना लगा दिया 1 लाख रुपए का। मुआवजा तो देना चाहिए ना, इतना फालतू हमारी भूमिधरी जमीन है, आज की जमीन थोड़ी ना, 100 साल हो गए यहाँ पे रहते, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। अब सरकार के आगे किसकी चल सकती है, जब 5 विभाग मिलके एक साथ मिलके ये सब कार्य कर रहे हैं तो ये सब कुछ अच्छी बात थोड़ी ना है। यहाँ पर एक आंटी जी हमें मिली है तो ये बताती है कि सामने जो घर दिखाई दे रहा है आपको, पीली कोठी, और पीली कोठी चौराहा है तो पीली कोठी नाम भी इनके घर का है, तो क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रभा गुरानी है, मैं एमए पास हूँ। मैं यहाँ पर ये समझ लीजिए मुझे 70 साल हो गए हैं, मेरी शादी यहीं हुई है, मेरी पूर्वजों की 7वीं पीढ़ी यहाँ पर रह रही है। बड़े दुख की बात है, आज हमने भी हाईकोर्ट में अपना केस रखा था कि हम मतलब हमारी जमीन, हमने किसी के अतिक्रमण नहीं कर रखी, हमारी जमीन 3 फुट इस सड़क में आती है। ये देखिए, ये पत्थर की दीवार है, ये पत्थर की दीवार 14 इंच की दीवार है। देखो ये सामने कैमरा लगाइए, ये पत्थर की दीवार है, इस पत्थर की दीवार को 14 इंच के आज का कोई मिस्त्री बना के दिखा दे ऐसी दीवार। ये चूने की और उसकी दीवार है, ये 100 साल पहले की दीवार है, ये मेरी निशानी है, मेरे पूर्वजों की निशानी है। और आज हमको 1 घंटा पहले कोर्ट का कागज मिला, एक पन्ना हमारे गेट में चिपका रखा था, हमारे कोई मेहमान आए उनका कोई कागज चिपका रखा, वो पर्चा हमको मिला, उन्होंने कहा सिग्नेचर करो, एक नागरिक होने के नाते सही बात है, हमने सिग्नेचर करके दिए। अब उसके बाद से हम अपने बच्चे से संपर्क कर रहे हैं कि बेटा ये कागज ऐसा आया है तुम्हारी, उसने कह रखा था मम्मी केस डिसमिस हो गया, दीवार किसी समय टूट सकती है, 3 दिन की रिक्वेस्ट करना, 3 दिन में मैं आ जाता हूँ, मैं दीवार को बना लूंगा। मैं उससे संपर्क कर रही हूँ, मैंने कहा सर ये मेरा फोन है आप चेक कर सकते हैं, मेरे अपने बेटे से अभी तक संपर्क नहीं हुआ है, आपने खेत की दीवार चलो तोड़ दी, मेरे आने तक तोड़ दी थी, आप ये गाय का कमरा, गाय जहाँ मेरे। बड़ी बात यह है, जब आपके पास इसके पूरे कागज थे, आप बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला था, तो आपको क्यों समय नहीं दिया गया? इसलिए समय नहीं दिया गया कि ताकि एक सुप्रीम कोर्ट जाके कुछ ऑर्डर होने लिया मेरे अंदाजे से, इसलिए समय। आपको इसका मुआवजा मिलेगा, आपको मुआवजा मिलेगा इसका जो आपकी जमीन गई है? पता नहीं, ये तो भगवान जाने। हम ये चाह रहे थे कि चलो दीवार तो टूटेगी, सरकार लेगी, टूटेगी, मुआवजा मिलेगा, टूटेगी नहीं मिलेगा, टूटेगी कोई बात नहीं, हमने अपना मन तैयार रखा, लेकिन हमारे जानवर हैं। मैंने कहा सर दीवार तो हमने तोड़ दी, जानवरों का घर और इतना छोड़ दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन बाद हम जानवरों की व्यवस्था करेंगे। एक तरफ से सरकार ने रेड अलर्ट घोषित कर रखा है,
बच्चों के स्कूल बंद हैं, दूसरी तरफ से तुम मेरे जानवरों का घर ही पूरा उधार के चली जा रहे हो। तो वाजपेयी सर बोले हम कोर्ट के आदेश का पालन करें। मैंने कहा सर इंसानियत के नाते इतना तो सोचिए, कम से कम गाय है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। वो बोले हम तो कानून से बंधे हुए हैं। अब गाय बच्चियां कहाँ बांधेंगे? आज रात को आपकी गाय भैंस कहाँ रहेंगी? कहीं नहीं रहेंगी, हमारी गाय खेत में रहेंगी। कोई गाय मर जाएगी तो कल को उसको फोटो फिर अखबार में देंगे, इन्होंने हमारी गाय मार दी। बारिश होगी तो मरी जाएगी ठंडे में, कहाँ बांधूंगी मैं? घर थोड़ी ले जाऊंगी उनको, मार्बल लगा है वहाँ तो उनके पैर फिसल जाएंगे, अंदर तो बांध ही नहीं सकती हूँ। गाय ऐसे पेड़ के नीचे रहेगी। अच्छी खबर है, गरीब आदमी क्या कह सकता है सर, बताइए। तो जाम से परेशानी आप लोगों को होती थी यहाँ पर? आज के परेशान, मतलब गरीबी तो होता है, जाम लगा हो, कुछ टूटा हो, कुछ भी हो, देखो कहता ये कहते गैस फूक रही, हर चीज हो रहा है, और गरीब का घर भी टूटता तो वही परेशान होता है। देखो आप क्या कह रहे हो, बहुत अच्छा टूटा तो जिसके बाद में बनाया उसे भरपाई करनी चाहिए। उसने क्यों बनवाया, मतलब पहले रही थी क्या? कि उनके पास कागज है जमीन के, फिर भी तोड़ा जा रहा है। नहीं कागज से कुछ नहीं होता, रोड चाहिए, रोड चाहिए, कागज से क्या? तो यहाँ पर एक बस खड़ी है, इसमें हम चलते हैं, लोगों से पूछते हैं लोग अतिक्रमण के बारे में क्या कुछ कहते हैं। बस के अंदर ही हम चले जाते हैं भाई, लोगों से पूछेंगे भाई साहब यहाँ पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है और देश में और राज्य में जगह जगह बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ठीक किया जा रहा है? बहुत बढ़िया किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। जाम की बड़ी समस्या यहाँ पर होती थी, सरकार का अच्छा कदम है। आप किस रूप से देखते हैं अतिक्रमण को? आप नहीं बोलेंगे, चाचा जी हैं। चाचा जी आप बताइए, यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ भी तोड़ा जा रहा होगा जगह जगह ना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम परेशान हैं, पब्लिक परेशान है थोड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है सरकारों के द्वारा, आपको लगता है ऐसा? ये तो कह सकते हैं, अपने ही मन की बात है, बस ये है। आप बताइए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तोड़ना चाहिए, ये रोड चौड़ी हो जाएगी, जाम नहीं लगेगा, बड़ी राहत मिल जाएगी। बड़ी रोड होनी चाहिए, बड़ी रोड होनी चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए। पब्लिक परेशान मत हो ना, हो ना। सुना हुआ सर आपका? चंदन सिंह, चंदन सिंह, चंदन सिंह। हाँ तो आप बताइए, जगह जगह उत्तराखंड सरकार बुलडोजर चला रही है, क्या कुछ किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? ठीक है, जिस हिसाब से अब ट्रैफिक है, कई चीजें हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, उस हिसाब से देखा है। कुछ लोगों का बड़ा आरोप होता है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, लगता है आपको सरकार के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा होगा? उसकी रोड साइड में मकान है या जो भी है, और उसको कहीं पे जगह दी जाए, बात तो सही है कि खाली हो जाएगा और कहाँ ले जाएगा बच्चे को, कैसी है ना, ये भी नहीं, दोनों पहलू हैं। वैसे उधर भी ठीक है, वो भी ठीक, दोनों चीजें हैं, दोनों चीज तो करने पड़े। उनका कहना है कि अगर उचित मुआवजा दे दिया जाए गरीब को भी और उसके बाद तोड़ना बिल्कुल सही है, आप इनकी बात से सहमत हैं सर? ठीक है, सही कह रहे हैं वो बात। ये जाम बड़ा लगता है, इससे परेशानी आप लोगों को होती होगी? परेशानी तो होती है जाम से। जनता अतिक्रमण को किस रूप से देखती है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहती है, क्या अपनी राय रखती है, तो यही सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर भाई साहब। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित। अमित जी ये बताइए, अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, देहरादून की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, रामनगर, कोटाबाग, कहीं भी, तो आप इसको किस रूप से देखते हैं, ठीक किया जा रहा है क्या? अवैध कब्जा जो भी होगा उसे तोड़ना ही चाहिए, चाहे वो मेरा हो या आपका। लेकिन कहा जाता है कि किन्हीं क्षेत्रों में तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन जहां उसे समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर प्रशासन की कार्रवाई नहीं की जाती? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट में सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो ये आप, मेरा नाम मोहन चंद उप्रेती है, बताइए उप्रेती जी, जो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जगह जगह, किस रूप से देखते हैं आप इसे? देख रहे हैं सही है, राहत मिलेगी, जाम से राहत मिलेगी, बिल्कुल। जो अवैध जगह जिन लोगों ने घेर रखा वो सरकारी जगह टूटनी चाहिए, और कुछ जगह में सरकार कार्रवाई करने में भी डरती है, सरकार भी डर रही है कि सरकार डर रही, तो हम क्या कर सकते हैं साहब, सरकार ने शुरू से अतिक्रमण जगह नहीं भेज घेरनी चाहिए था। अब जो जिसने तोड़ा तो तोड़ना तो पड़ेगा सरकारी, कहीं ना कहीं गलती सरकारों की भी है, पहले अतिक्रमण होने दिया उन्होंने, गलती तो पूरी सरकार की है भाई। बिल्कुल सरकार की गलती है, इनका कह रहे हैं ये भाई साहब से बात करते हैं। जमीन को घेरने नहीं देना चाहिए था ना, अब जो सहमत है ये जमीन जो घेरती हुई टूट रही है, पानी दे दिया है, जिस समय ये जमीन घेरी गई है उस समय जो है हल्द्वानी की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी, शायद तक किसी को ये पता नहीं होगा कि हल्द्वानी में इतने जनसंख्या बढ़ जाएगी आज, जो कि अतिक्रमण के नाम से लोगों की जमीनों को एक तरफ से अवैध तरीके से तोड़ा जा रहा है। इसका जब ये हल्द्वानी बसी थी उस समय हल्द्वानी के
जितने भी हमारे नेता थे, माननीय उस समय के अंडी तिवाड़ी जी जो मेन यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उस समय यहाँ का एक मैप बनाना चाहिए था, जिसकी वजह से आज हो सकता है ये परेशानियां और ये स्थितियां पैदा नहीं होती है। इतना अतिक्रमण किया हुआ ये तोड़ दिया है, आगे तो कार्रवाई जारी है। हमने अनेक लोगों से बात की, अनेक लोगों से जाना कि वह क्या कुछ सोचते हैं इस अतिक्रमण के बारे में, उनकी क्या राय है। लोगों का कहना है कि जबरदस्ती प्रशासन द्वारा उनके अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह अतिक्रमण में ही बनी हुई प्रॉपर्टी है, रोड चौड़ीकरण के लिए यहाँ पर इसे हटाया गया। लेकिन यह कहाँ तक हटाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हटाते हैं आगे तक तो बहुत ज्यादा मकान और जो होटल स्वामी हैं, व्यवसायी हैं, उनको प्रभावित करेंगे। लगभग आपको बताऊं 5-6 फीट यहाँ पर यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके उलट दूसरी साइड को, उस दूसरी तरफ उस साइड को भी दिखाऊं तो वहां अभी अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप इसी तरह से देखते रहे प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।